बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे जी न्यूलैंड क्लासिफिकेशन। लुक एट पेज नंबर 58, लेक्चर 2। व्हाट इज़ न्यूलैंड क्लासिफिकेशन? न्यूलैंड ने जी 1863 में अपनी क्लासिफिकेशन दी थी। अकॉर्डिंग टू हिज स्टेटमेंट, इफ़ एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन ए ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस, द एट्थ एलिमेंट स्टार्टिंग फ्रॉम अ गिवन वन हैज़ सिमिलर प्रॉपर्टीज एज फर्स्ट वन, दैट इज इट्स प्रॉपर्टीज आर अ काइंड ऑफ रिपीटेशन ऑफ द फर्स्ट, लाइक द एट्थ नोट इन अ ऑक्टेव ऑफ म्यूजिक। को डिटेल से आगे पढ़ेंगे। इस पीरियोडिक टेबल को देखें आप गौर से। इसमें उन्होंने जी 56 डिफरेंट किस्म के एलिमेंट्स को अरेंज किया था। अगर हम कंसिडर करें, लिथियम को 1, बेरिलियम को 2, रॉन को 3, कार्बन 4, नाइट्रोजन 5, ऑक्सीजन 6, फ्लोरीन 7 और सोडियम को 8। तो आप देखेंगे जो फर्स्ट और एट्थ एलिमेंट है, दैट इज़ लिथियम एंड सोडियम, इन दोनों की प्रॉपर्टीज़ अकॉर्डिंग टू न्यूलैंड सेम होंगे। इसी तरह अगर आप सोडियम से स्टार्ट करें, 1, 2, 3 काउंट करना, तो आप देखेंगे कि पोटाशियम आएगा नंबर 8 पे। सोडियम की और पोटाशियम की प्रॉपर्टीज़ भी अकॉर्डिंग टू न्यूलैंड क्लासिफिकेशन सेम होगी। और यह अरेंजमेंट उन्होंने कहा था अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस है। इसी तरह उन्होंने कहा था कि बेरिलियम को आप 1 कंसिडर करें और तो मैग्नीशियम आएगा 8 पे और उसकी प्रॉपर्टीज बेरिलियम जैसी होंगी। इसी तरह अगर मैग्नीशियम को फर्स्ट कंसिडर करें तो कैल्शियम नंबर 8 एलिमेंट पे आएगा और उसकी प्रॉपर्टीज़ भी सेम होंगी मैग्नीशियम की तरह। अच्छा जी, अगर हम प्रॉपर्टीज़ की बात कर रहे हैं तो हम डिस्कस करते हैं किस किस्म की प्रॉपर्टीज़, यानी कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं जो इन एलिमेंट्स की सेम होंगी। अगर आप देखेंगे लिथियम, सोडियम और पोटाशियम को, तो ये तीनों के तीनों क्या हैं जी, ये तीनों कहलाते हैं जी अल्कली मेटल। अच्छा जी, अल्कली या अल्कलाइन मेटल्स कहलाते हैं, ये स्ट्रॉन्ग होते हैं जी और ये ज़्यादातर बेसिस बनाते हैं। तो ये प्रॉपर्टीज़ इन तीनों में पाई जाती है, इसलिए हम कह सकते हैं कि न्यूलैंड की क्लासिफिकेशन के मुताबिक, जो कि ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस थी, लिथियम, सोडियम और पोटाशियम की प्रॉपर्टीज सेम हैं क्योंकि वो सब के सब अल्कली मेटल्स हैं। इसी तरह अगर आप बेरियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम को देखेंगे तो आप देखेंगे कि इन तीनों की प्रॉपर्टीज़ भी सेम ही हैं अकॉर्डिंग टू न्यूलैंड। कैसे सेम हैं? ये तीनों जो हैं, ये हैं जी अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। क्या हैं जी ये तीनों? अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहलाते हैं। इसका मतलब है जी कि इनकी प्रॉपर्टीज़ भी सेम हैं। ओके जी, ये जो पीरियोडिक टेबल आपको नज़र आ रहा है, इसके अंदर 56 एलिमेंट्स को उसने प्लेस किया था। ओके जी, तो जैसे हम पढ़ चुके हैं जी कि ये पीरियोडिक टेबल आपको नज़र आ रहा है, इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स अरेंज हुए थे, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर के लिहाज से, एटॉमिक मासेस के लिहाज से अरेंज हुए थे। उनकी प्रॉपर्टीज अकॉर्डिंग टू न्यूलैंड फर्स्ट और एट्थ एलिमेंट की सेम है। अच्छा, इस पीरियोडिक टेबल का, ये इस अरेंजमेंट का, ये इस क्लासिफिकेशन का एडवांटेज क्या था जी? ये प्रोवाइड किया था, इस क्लासिफिकेशन ने एक बेस प्रोवाइड की थी जो कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के लिए एक बेस के तौर पे इस्तेमाल हुई थी। ये पीरियोडिक टेबल, हम कह सकते हैं कि इसका सबसे बड़ा एडवांटेज था इस पीरियोडिक टेबल या इस क्लासिफिकेशन का। जैसे कि इसके एडवांटेजेस के बारे में हम पढ़ रहे हैं, इसके साथ साथ इसका डिसएडवांटेज भी था। इसका डिसएडवांटेज क्या था? इसके प्रोडक्ट के अंदर, टेबल या क्लासिफिकेशन के अंदर जो न्यूलैंड ने दी थी, कुछ ड्रॉबैक्स भी थे। किस किस्म के ड्रॉबैक्स थे हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट तो ये था कि जी इसने अपने पीरियोडिक टेबल में सिर्फ 56 एलिमेंट जो उस वक्त तक डिस्कवर हुए थे, सिर्फ उन्हीं को प्लेस किया था, जबकि लेटर ऑन इससे ज़्यादा मजीद एलिमेंट्स भी डिस्कवर हुए, उनको प्लेसमेंट नहीं दी गई थी न्यूलैंड ने। इसके अलावा जी इन्होंने हाइड्रोजन को किसी किस्म की कोई प्लेसमेंट नहीं दी थी अपने पीरियोडिक टेबल के अंदर। तो एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक कंसिडर किया जाता है जी कि इसने जो है हाइड्रोजन को प्लेस नहीं किया था। इसके अलावा जी बाकी लेटर ऑन ये जो सिर्फ कैल्शियम तक के एलिमेंट के लिए, आप कह लेंगे फर्स्ट 16 एलिमेंट्स के लिए ही जो उसकी लॉ था वो एप्लीकेबल था, जबकि इसके आगे जितने भी एलिमेंट मजीद थे डिस्कवर थे उनके ऊपर ये एप्लीकेबल नहीं था ये लॉ। यानी जो 56 एलिमेंट्स हैं पीरियोडिक टेबल जो क्लासिफिकेशन न्यूलैंड ने दी, उनमें से सिर्फ और सिर्फ आप कह लें कैल्शियम तक जो है, जो कैरेक्टरिस्टिक की बात होने की थी, फर्स्ट और एट एलिमेंट की कैरेक्टरिस्टिक सेम होगी, तो वही जो है वो न्यूलैंड ने प्रूव की थी, इससे आगे प्रूव नहीं हुई थी। तो आई होप यू अंडरस्टैंड द लेक्चर। आपका होम टास्क है जी लर्न न्यूलैंड क्लासिफिकेशन।